हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस कटेड हेयर पे कलर करने वाले हैं और वो कलर जो करेंगे हम प्री लाइटनिंग करने के बाद करने वाले हैं। और जो गाइस जो हम कलर करेंगे उस पर हम पहले हम इस कटेड हेयर पर प्री लाइटनिंग करेंगे, देन उस वाले कलर को हम डिपॉजिट करेंगे। कलर बनाने के लिए गाइस मैंने लिया है ब्लॉन्डर और मैंने यूज़ जो इसमें किया है डेवलपर वो किया है मैंने 30 वॉल्यूम मैंने इसलिए यूज़ किया है। थोड़ा कटेड हेयर है तो लेट वर्क करता है तो मैंने 30 वॉल्यूम यूज़ किया ताकि अच्छे से फास्ट वर्क हो जाए। उस पर हम अच्छे से एप्लीकेशन कर लेंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने जो थंबनेल पे लगा रखा है वो लगा रखा है मैंने एक प्री लाइटनिंग वाला कलर और एक लगा रखा है डायरेक्ट कलर। और जो प्री लाइटनिंग के बाद वाला जो कलर है वो भी इसी ट्यूब से गाइस आएगा और जो डायरेक्ट कर रहा वो भी इसी ट्यूब से आएगा। और गाइस जो हम कलर डिपॉजिट करते हैं प्री लाइटनिंग के बाद तो उसकी जो है विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और डायरेक्ट करने में क्या है कलर तो आता है लेकिन विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम रहती है। तो गाइस हम पहले इसको प्री लाइटनिंग करके अच्छे से दोनों साइड से, जैसा कि आप वीडियो में देखा आपने, मैंने दोनों साइड से ही प्री लाइटनिंग का ब्लॉन्डर लगाया है ताकि हमारे कहीं भी हेयर पे पैच ना आए। तो अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे। और गाइस वीडियो को पूरा फुल देखना क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि आपने कौन सा डेवलपर वॉल्यूम यूज़ किया है, आपने कौन सा कलर ट्यूब यूज़ किया है, जबकि मैंने वो सब वीडियो में बताया होता है। तो आप वीडियो पूरी फुल देखिए तो आपको क्वेश्चन पूछने की नीड भी नहीं रहेगी। तो गाइस ये फॉइल को मैंने लॉक कर दिया, उसको आफ्टर 25 मिनट्स बाद ये फॉइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। और ज़्यादा प्री लाइटनिंग हमने करनी है ही नहीं क्योंकि हमारे जो कलर ट्यूब है वो खुद में ही 6.4 कलर है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में 6.4 कलर करके दिखाया था लेकिन वो मैंने डायरेक्ट करके दिखाया था ये आफ्टर प्री लाइटनिंग है। ये देखिए ये जो अंडरकोट है हमने ये वाला अंडरकोट अचीव किया है, ये तो कॉपरिस अंडरकोट है, कॉपर अंडरकोट है। तो गाइस ज़्यादा अंडरकोट लेवल लिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर कलर स्टे नहीं करेगा, वो कलर फिर डाउट हो जाएगा। और गाइस प्री लाइटनिंग वाले जो ये हेयर थे मैंने इनको वॉश आउट कर लिया है और वॉश करने के बाद मैंने लिया डार्क कॉपर ब्लोन कलर 6.4 और ये स्टिक्स का कलर है और इसको हम करेंगे डिपॉजिट। ये देखिएगा इसके ऊपर भी 6.4 लिखा है, आपको दिखा रहा होगा। और इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में, थोड़ा ही निकालेंगे, कटेड हेयर है। और जो इसकी मिक्सिंग रेशियो गाइस रहती है वो रहती है 1:1 यानी बराबर, यानी जितना आपका कलर ट्यूब रहेगा उतना ही आपका डेवलपर रहेगा। और ये गाइस मैं डेवलपर जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ मैं 20 वॉल्यूम और डिपॉजिट में मैं ज़्यादातर 20 वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, 10 वॉल्यूम भी करते हैं। इसको मैंने निकाल लिया एक बाउल में और इसको अच्छे से कर लेंगे गाइस हम मिक्स। और गाइस हम लगाएंगे जो हमने प्री लाइटनिंग करी है इस वाले हेयर पे। और गाइस ये देखिए हमारा जो अंडरकोट है वो अचीव हो चुका है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर हम इसको 8 लेवल पर डिपॉजिट करते तो हमारा कलर कैसा आता और वो फेड क्यों हो जाता, ये आज का क्वेश्चन है। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। और इसको अच्छे से हम मतलब फिंगर से तो हम नॉर्मली इमल्सिफाई अच्छे से कर पाते हैं लेकिन ब्रश में कटेड हेयर पे पीछे की साइड लगना दिक्कत होती है, तो इसको भी हम पीछे पलट कर अच्छे से कलर लगाएंगे। और ये देखिए पीछे पलट लेंगे और इस पर हम ये डिपॉजिट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिपॉजिट। प्री लाइटनिंग के बाद जब हम कोई मतलब डिज़ायर शेड उस पर कलर 20 वॉल्यूम में अप्लाई करते हैं उसे हम हमेशा डिपॉजिट ही बोलते हैं। तो ये कलर हमारा लग चुका है और ये देखिए और इसको हम रखने वाले हैं 30 मिनट्स। और ये मैं डिपॉजिट करने के बाद 30 मिनट्स रखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी शेड है वो किस तरीके की आई है। और मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा जो 6.4 डायरेक्ट करने में कैसा आएगा और ये प्री लाइटनिंग वाला जो मैंने अभी किया है वो कैसा कलर आएगा, दोनों रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मेरा 30 मिनट्स हो गए है, इसको मैं वॉश करके अब इसको मैं ड्रायर की मदद से थोड़ा सा सुखाऊंगा। ये देखिए कलर आपको दिख रही होगी सेट की जो कॉपर डार्क ब्लॉन्ड है इसमें पूरा प्रॉपर अच्छे से कॉपर विजिबल हो रहा है, क्योंकि ये कॉपर इसलिए अच्छे से विजिबल हो रहा है जो
हमने प्री लाइटनिंग करी थी वो हमने एग्जैक्ट सही लेवल पर करी थी। और ये इसका फाइनल रिजल्ट है गाइस, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा नॉलेजेबल रही है। और अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ जो डायरेक्ट कर रहा था उसका कलर, जो राइट साइड पर आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट कर रहा है सेम कलर 6.4। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है मेरी, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने 6.4 डायरेक्ट उस पर करके दिखाया है कि किस तरीके से आपको 6.4 डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कलर मतलब मेरा विथआउट प्री लाइटनिंग। ठीक है गाइस, और जो लेफ्ट साइड देख रहे हो वो मेरा अभी का जो रिजल्ट है वो मैंने आफ्टर प्री लाइटनिंग 6.4 डिपॉजिट किया है। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वाला रिजल्ट अच्छा लगा, डायरेक्ट वाला या प्री लाइटनिंग वाला।